चॉइस फिलिंग के बाद आपको सीट अलॉटमेंट, कॉलेज अलॉटमेंट, कॉलेज में जो मेजर सब्जेक्ट होगा और आपको कॉलेज का नाम लिखा होएगा वो उसको बोलते हैं कॉलेज अलॉटमेंट स्लिप, वो दे दी जाएगी ऑनलाइन ही। आप अपना पासवर्ड आईडी फिल करके उसको जनरेट कर लोगे। तो उसके बाद आपने करना क्या है और कॉलेज ने क्या करना है, यूनिवर्सिटी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज को दे दी है कि ये कैंडिडेट इसने पास कर लिया है, ये मेरिट है, इतने रैंक आए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी, है ना। तो ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो इन्फॉर्मेशन इसने फॉर्म में फिल की थी, यहाँ फिल की थी, यहाँ फिल की थी, इसमें सभी में फिल की थी, उसको वेरीफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ये मैं इस वीडियो में वो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ कौन कौन से चाहिए। नंबर एक, क्योंकि इंडिया इज़ ए डैश कंट्री यू नो, तो ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेजेस को दी जाती है, एक दो चार कॉलेज कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपको फैसिलिटेट कर दे। मतलब कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि अमित कौर सर, जो बहुत ही अच्छी तरह से ये भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी सख्ती भी की है कि थ्रू काउंसलिंग ही एडमिशन जो जाएगी वही कैंडिडेट एडमिट होना चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन वाला जो सिस्टम है उसको दैट इज़ वाई चैलेंज किया जा सकता है। आप यूनिवर्सिटी को बता सकते हो, जिनकी फीस वगैरह नहीं मिलती है ना, तो वो ऐसे यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं, तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि वो उन्होंने थोड़ी पिछली बार अमित कौर सर ने दूसरी यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को लेटर इशू कर दिया था कि ये वाले कैंडिडेट जो हैं, लिस्ट दे दी थी, प्रोवाइड कर दी थी कि ये कैंडिडेट आपकी यूनिवर्सिटी को मिले हैं फर्स्ट में, सेकेंड में या थर्ड में, तो इनको वेरीफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो वेरीफाई होते हैं नहीं होते मुझे नहीं पता, ये लिस्ट वेरी करेगी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में थोड़ी रिजिडली ये फॉलो होती है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी में जहाँ कॉलेज वाइज है ना, थोड़ी वेरिएशन हो सकती है कि कोई डॉक्यूमेंट वहाँ वेरीफाई ज़रूरत नहीं समझी जाती, कहीं जैसे गैप सर्टिफिकेट है, कहीं मांगा ही नहीं जाता, कहीं ज़रूर मांगा जाता है। तो ये मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर हालत में आपने ये सारे डॉक्यूमेंट आपके माइंड में ला रहा हूँ, आप तैयार कर सकते हो, इंपॉर्टेंट जो होंगे वो मैं साथ में बता दूंगा। अच्छा, ये यहाँ लिखे हैं, लाइट कर दिए हैं, क्योंकि इसकी जगह पर एक कॉलेज अलॉटमेंट स्लिप जो है प्रिंट फ्रॉम योर ऑनलाइन प्रोफाइल है, वहाँ से जो प्रिंट होगी वो हर हालत में ज़रूर चाहिए आपका। इससे अलावा जो रैंक ऑफ कैंडिडेट एज पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नोटिफाइड बाय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, एडमिट कार्ड है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, प्रिंटेड कॉपी ऑफलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये चाहिए वैसे, आप अपनी संभाल के रखिए। मैंने लाइट कर दिया है, कई बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको ले लीजिए, क्योंकि इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है जी। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट है, लास्ट जो इंस्टीट्यूट आपने अटेंड किया है ना, रेगुलर जो अटेंड किया है वहां से करेक्टर सर्टिफिकेट जल्दी बन जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं बात नहीं है। अब डिटेल मार्क्स कार्ड और डिग्री ऑफ ऑल एग्जामिनेशन 10th ऑनवर्ड्स आपको ओरिजिनल चाहिए। आपके ओरिजिनल कोई भी कॉलेज नहीं रखेगा, सिर्फ उन बच्चों के ओरिजिनल यूनिवर्सिटीज जाते हैं जिन्होंने पंजाब से, दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, जिनका पंजाब से बाहर की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है, वो हर हालत में ओरिजिनल जा सकते हैं। लेकिन पिछली बार तो ये भी देखने को मिला है, चलो नाम नहीं लूँगा यूनिवर्सिटी का, कि वो ओरिजिनल नहीं मंगवाए गए, कॉलेज को ही ये बोल दिया गया कि आप बच्चे के ओरिजिनल चेक करके, खुद अटेस्ट करके, बच्चे से अटेस्ट करवा के हमें सेंड कर दीजिए, लेकिन वेरीफाई कॉलेज ही करेगा। अगर ओरिजिनल कोई कॉलेज लेता है आपके, जमा करता है, तो वो गलत है। हाँ, आपका दूसरी यूनिवर्सिटी से है तो प्रोबेबिलिटी है कि कुछ दिनों के लिए वो रख लें, वेरीफाई करें। नॉर्मली आप कोई सर्टिफिकेट उसी वक्त वापस किए जा रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है। जो दूसरी पंजाब से बाहर से हैं उनके यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, जहाँ जिनका आपकी यूनिवर्सिटी नहीं, बाहरी यूनिवर्सिटी से, उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हो सकती है कि ओरिजिनल मंगवाए जाए, अदरवाइज नहीं मंगवाए जाते।
तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने अपने पास ही रखने हैं, ये केस मैंने बता दिया है किन किन केसों में। हाँ, आपने डिटेल मार्क्स का, इन सभी की फोटोकॉपी लेके जानी है, डिटेल मार्क्स भी और डिग्री भी, कहाँ से, टेंथ से लेके, टेंथ से शुरू कर लेनी है, और टेंथ है ना, प्लस टू की इम्पॉर्टेंट बेशक नहीं है, आपने लेके जानी है, ग्रेजुएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीज पोस्ट ग्रेजुएशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये बेसिक हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, इनके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगी। इसके अलावा हायर डिग्री आपने कोई भी की है, डिप्लोमा किया है, वो लेके जाइए, अदरवाइज आपको गैप सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट है फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डीएमसी टेंथ ऑनवर्ड, ये बात हो चुकी है। गैप सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने 3 साल कुछ नहीं किया, उसका गैप सर्टिफिकेट है, कोई घबराना नहीं है, 200, 250, 300 रुपए लगते हैं, कचहरी में तहसील में जाते हो आप, उनके पास, उनको बस यही कहना है कि गैप सर्टिफिकेट बनाना है, उनके पास फॉर्मेट बना है, आपने अपना नाम मम्मी पापा का और गैप पीरियड बताना है, मिनट दो में, लेकिन 2 घंटे लग जाते हैं, तो वो आपको 200-300 रुपए अभी लेके तभी बना देंगे, है ना, टिल 2023 तक। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अभी तक के डॉक्यूमेंट का, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा। इसके मिनिमम टाइम आपको दिया जाएगा भाई, मिनिमम टाइम में अगर आपने अप्लाई टाइम सेट करना है, ऑनलाइन मोस्टली अप्लाई होता है, हर यूनिवर्सिटी 15 से 30 दिन लगा देती है आराम से, तो अगर आप उस डेट से लेट होते, आपको टाइम दिया जाएगा, जब एडमिशन होगी बताया जाएगा कि आप 1 महीने में 15 दिन में 20 दिनों में, है ना, आपको बताएंगे, तो तब तक आपने जमा करवाना है, क्योंकि ये कॉलेज फाइन यूनिवर्सिटी डालेगी, कॉलेज ने नहीं डालना, इसमें कॉलेज की कोई कसूर नहीं है। आप लेट होते हो तो लगभग 1000 रुपया ऐसे कुछ फाइन पड़ सकता है, तो दैट इज़ वाई इसको टाइमली अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन करते हो, लगभग 1500 से 2000 के करीब खर्चा, 1500 आ जाता है खर्चा, ओके। तो माइग्रेशन कैसे फिल करते हैं, डिफरेंट वीडियो में बता दूंगा, अगर किसी को ज़रूरत हो, ये नहीं ज़रूरत हुई तो फिर तो मैं काम कर रहा हूँ अपने। ये रहा जी आपका पासपोर्ट साइज, मिनिमम 2 फोटो नहीं 4 लेके जाओ आप, आई कार्ड भी बनना होता है, एक आपकी फाइल में लग जाता है, एक आध फोटो, 4 फोटो लेके जाओ, यहाँ बेशक 2 लिखा है मैंने। इक्वलेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ओनली इफ योर ग्रेजुएशन इज, अगर आप ये अच्छी तरह से समझ लेना, अगर आपकी ग्रेजुएशन प्राइवेट पंजाब में ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, बेशक पंजाब में ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, दूसरा जहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी से है आउट ऑफ पंजाब से, तो आपका इक्वलेंस सर्टिफिकेट होगा, वो आपके थोड़ा खर्चा भी आएगा, प्रोसीजर भी है, मेरे ख्याल में 1-2 दिनों में बन जाता है, कि आपकी जो है डाउट वाला जो आपने डिग्री की है, डाउट मीन के वो स्कूल सब्जेक्ट हैं, उसको इसके इक्वलेंस माना जाता है। फॉर एग्जांपल कोई आपने एमएससी बीएससी की है, कोई ऑनर की है, कि वो एलिजिबिलिटी आपकी चेक करने के लिए इक्वलेंसी सर्टिफिकेट है। इक्वलेंसी सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता, वो ये देखते हैं इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है, हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से इतने 50-75% मैच करता है, तो ये नॉर्मली एक प्रोसीजर होता है आपका सिलेबस कंपेयर करने की, तो वो इक्वलेंस सर्टिफिकेट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज आपसे आधार कार्ड मांगे, आपका आधार कार्ड हर वक्त मांगेंगे, कारण ये है जो अच्छे कॉलेज हैं वो पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं। मैंने ऐसे ही कॉलेज से इन्फॉर्मेशन लेके आपको बता रहा हूँ, तो कैंडिडेट का आधार कार्ड अगर आपने स्कॉलरशिप ऐसा कुछ लेना है तो लगना ही लगना है, वैसे भी कई जगह पर है कैंडिडेट का आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा। तो कई बार गवर्नमेंट ये डॉक्यूमेंट मांग लेती है, कोई भी गवर्नमेंट का वेलफेयर ऑफिस या कोई भी गवर्नमेंट का जो है ना ऑफिस है, वो डिमांड कर लेता है कि बच्चों के ये वाले जैसे इलेक्शन कमीशन वोटिंग वाले या कुछ ऐसे होता है, ये पक्का नहीं है कि यही मांगेंगे अब, तो ये मदर और फादर और आपका आधार कार्ड उसकी फोटोकॉपी आप ले जा सकते हैं पहले से ही। नेक्स्ट है रेजिडेंस सर्टिफिकेट है जो इम्पॉर्टेंट है, कारण ये है कि आपने 15% कोटे में अप्लाई किया है जहाँ 85% में किया है, तो 85 में है तो पंजाब का डोमिसाइल चाहिए और 15% है तो आउटसाइड पंजाब का चाहिए। तो ये दूसरी बात के डोमिसाइल वैलिड होता है 5 साल के लिए सिर्फ, अगर इससे ज़्यादा है तो एक्सपायर हो चुका है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिजर्वेशन कैटेगरी, कोई भी नॉन जनरल कैटेगरी है जो रिजर्व कैटेगरी मतलब है एससी बीसी ओबीसी एससी एसटी है ना, डिसेबिलिटी वाले जो भी पर्सन हैं,
तो उनको अपना रिजर्वेशन कैटेगरी है। हो सकता है कि फर्दर आपको डिजिटल के लिए, अभी तक तो नहीं है कोई, फर्दर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। रूरल एरिया जिन्होंने क्लेम किया है कि मैं भैया 10th मैंने रूरल से पास की है, 12th भी रूरल से पास की है, दोनों ही जिनकी रूरल से पास है उनको 1% मार्क्स मिलने हैं, वो 1.5% मार्क्स उनके प्लस हो जाएंगे, तो वो प्लस करके दे दिए गए हैं, लेकिन क्लेम चेक करना है, वेरीफाई करना है उसने कॉलेज ने जहाँ एडमिशन हो रही है। तो ये सर्टिफिकेट अगर, तो ये 10th और 12th आपने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से की है, तो आपको DEO से सिग्नेचर करवाने होंगे। अगर आपने CBSC से की है तो आपको सी से एस से सरपंच से करवाने हैं। ये सरपंच जी हैं CBSE के और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के साइन करवाने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट थे मेरे पास, ये इन्फॉर्मेशन थी। कोई और क्वेश्चन हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, घबराना नहीं है, 2-4 डॉक्यूमेंट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कॉलेज डिमांड कर सकता है तो आपको टाइमली प्रोड्यूस, टेंशन नहीं लेना, प्लीज़ टेंशन नहीं लेना, टाइम मिलता है। ये जो परमात्मा ने दिया है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको संभालना है, इसको यूज़ करना है, इसको लाइफ की पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव मीनिंग की तरफ लेके जाना है। दैट इज़ वे छोटे छोटे दुख नहीं बनाने, छोटे छोटे पेन नहीं बनानी, है ना, समझना है।